नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप आई टी आर टू स्वयं से ही खुद से कैसे घर बैठे फाइलिंग कर सकते हैं जिसके अंतर्गत हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि फॉर्म नंबर सिक्सटीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इनका फॉर्म नंबर सिक्सटीन देखोगे तो इनमें इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है बट उस पर कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है यानी कि सैलरी में से कोई भी टैक्स नहीं करता है इसके अलावा हमारे पास अदर इनकम जैसे एग्रीकल्चर इनकम भी इनकी है एक लाख पंद्रह हजार दो सौ तीस के आसपास जो कि पूरी तरीके से एग्जेप होती है साथ ही इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन एफ और ऑनलाइन गेमिंग इनकम तो इन सभी इनकम को आई टी के कौन कौन से हेड में कहा पर दिखाया जाएगा और किस तरीके से दिखाया जाएगा पूरी जानकारी एक एक पॉइंट इसमें मैं आपको आई टी का क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप कैपिटल गेन को सैलरी इनकम को एग्रीकल्चर और एफ डी इंटरेस्ट ऑनलाइन गेमिंग की अगर आपके कोई इनकम है तो ठीक है अदरवाइज इन सारे एड्स को ITR2 में कहां पर शो करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक चार भरा लाइक जरूर दे दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है कोई भी ब्राउजर में और यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन ओपन कर लेनी है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखेंगे एक तो लोग इन का और रजिस्टर्ड का तो अगर आप नए हो आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो उस केस में आप आई बटन पर ऊपर वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कैसे अपना ई फाइलिंग पोर्टल पर नया अकाउंट बनाएंगे तो हमने यहाँ कर रखा है इसलिए हम लॉग ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर आई में अपना पैन नंबर और पासवर्ड इंसर्ट करके आपको लॉग कर लेना है लॉग करने के बाद आपको दो काम करने है पहला काम करना है ई फाइलिंग में यहाँ पर जाकर के आपको अपना फॉर्म नंबर ट्वेंटी सिक्स देख लेना है कि उसमें इन इनकम के अलावा कोई एक्स्ट्रा इनकम तो रिपोर्ट नहीं हुई है या फिर आपने जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो कहीं पर एक्स्ट्रा रिपोर्ट तो नहीं हुआ है तो यहाँ पर व्यू और डाउनलोड करोगे तो यहां पर जो है हमारी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम रिपोर्ट नहीं हुई है इन केस अगर आपकी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इनकम रिपोर्ट हुई तो वो आपको यहाँ से ले लेनी है जैसे कोई डिविडेंड हो वो यहाँ पे शो हो रहा हो तो उस केस में वो डिविडेंड भी आपको यहाँ से उठा लेना है और दूसरा काम करना है यहाँ पर ए का ऑप्शन मिलेगा इस ए के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो इस ए ऑप्शन पर क्लिक करके टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है दो हजार तेबिस सेलेक्ट होना चाहिए इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं शो हो रहा है तो अगर आप अपना आई टी मई के बाद फाइल करते हो तो यहाँ पर सब कुछ शो हो होगा जैसे मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस की जगह अगर बाईस तेईस सेलेक्ट करूंगा तो इसको यहाँ पर आप नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो इनकी सैलरी इनकम इंश्योरेंस कमीशन इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो मिसकिलनेस पेमेंट यानी कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है और म्यूचुअल फंड का परचेज भी किया है तो ये सारे के सारे जो है 2022-23 के हैं तो इन केस अगर आप 30 मई के बाद अपना आई फाइल करोगे तो यहाँ पर सारे की सारी आपकी से इनकम है वो डिटेल कहा पर एस में आ जाएगी फिलहाल की हमारे पास यहाँ पर तेईस सौ कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम आई है वो ग्यारह अप्रैल को फाइल कर रहे हैं तो अगर आप जून या जुलाई महीने में अपना आई फाइल करोगे तो यहाँ पर सारा डाटा आ जाएगा इसके बाद में वापस चलते अपन ई फाइलिंग पोर्टल पर और अब हम करते हैं आई टी आर फाइलिंग स्टार्ट तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल नाउ का अगर यहाँ पर नहीं शो हो रहा हो तो उस केस में यहाँ पर ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न तो और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है ऑनलाइन और इसको कंटिन्यू कर देना है इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर इंडिविजुअली रहने देना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आई टी आर फॉर्म टू आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रोसीड विद आई टी आर और लेट्स गैस स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर ये यह पूछ रहा है कि आप आई टी आर क्यों सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं यानी कि आपकी इनकम कहा से हुई है साथ ही आपके डिडक्शन कौन कौन से है तो यहाँ पर जनरल इनकम डिडक्शन टैक्स और अदर्स तो यहाँ पर जनरल में सबसे पहले रहेगा आपका शेड्यूल है जिसके अंतर्गत जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी और दूसरा है शेड्यूल गवर्नमेंट बाई प्रोसीजर सिविल कोड तो अगर आपके ऊपर कोई भी सिविल कोड के थ्रू प्रोसीजर हुई हो तो ये सिलेक्ट करना है अदरवाइज यहाँ पर सिंपली फर्स्ट शेड्यूल सेलेक्ट करना है, इसके बाद में रहता है इनकम का तो आपकी इनकम कौन कौन से हेड से से आती है 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 जैसे पर इनकम इनकी जो सैलरी से दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का तो अगर आपके पास कोई मकान है एक है दो है तीन है और वो आपने किराए पर दे रखे है और उनसे आपको रेंटल इनकम होती है मंथली किराया रिसीव होता है तो उस केस में यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल है कैपिटल गेन का यानी कि अगर आपको शेयर बाजार से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद में शेड्यूल एक सौ बारह ए जो की एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के केस में जो आप शेयर सेल आउट करते हैं तो वहां एप्लीकेबल होता है इसके बाद में शेड्यूल एक सौ भी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होता है शेड्यूल वी डी ए अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो उस केस में आपको शेड्यूल वी डी सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर रहेगा शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि अगर आपकी कोई भी डिविडेंड इनकम है इंटरेस्ट इनकम है एफडी इनकम है या फिर आपकी गैमलिंग इनकम है तो वो सारी की सारी इनकम जो है या फिर अगर आपकी कोई कमीशन वगैरह की इनकम आती है कोई भी ऐसी इनकम इनकम जो सैलरी की कैटेगरी में नहीं आती और आपने पिछले साल में अर्न की और वो और वो आपके फॉर्म नंबर छब्बीस में आ रही हो तो उस केस में वो आपके शेड्यूल अदर सोर्सेज इनकम के अंतर्गत कवर होगी इसके बाद में शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन इनकम यानी कि अगर आपका कोई परिवार में छोटा बच्चा है और वो भी कमाता है तो उसकी इनकम आपकी इनकम के साथ

यहाँ पर जो है टैक्स पेमेंट के शेड्यूल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है टी डी एस का हुआ हो और उसको आगे के सालों में आपको कैरी फॉरवर्ड करना हो या फिर पिछले सालों में अगर आपको कोई लॉस हुआ हो और उसको आपने ब्रॉड फॉरवर्ड करना हो तो उस केस में ये शेड्यूल सेलेक्ट करना है इसके अलावा अगर आपकी विदेश में किसी भी प्रकार की संपत्ति है और उससे अर्निंग होती

जो है हम सबसे पहला शेड्यूल लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन का तो इस शेड्यूल पर आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है इसके बाद में यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नाम डेट ऑफ बर्थ आपका पैन नंबर और आधार नंबर जो लिंक है इसके बाद में यहां पर आएगी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन तो अगर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर चेक कर लेना है आपकी मेल आई और मोबाइल नंबर तो करेक्ट हो और आपका एड्रेस भी करेक्ट हो तो ठीक है अदरवाइज आपको लगता है की नहीं मेरे को एड्रेस या मेल आई या मोबाइल नंबर में कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट ऑप्शन का यूज करके कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर देना है सिंपली तो हमारे यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है अब आपको लेना है फाइलिंग स्टेटस तो आप जो है अपना रिटर्न किस सेक्शन में फाइल कर तो से फाइल कर कर रहे रहे हो हो तो तो अगर जुलाई से पहले आपको ये सेक्शन सेलेक्ट करना है और तीस जुलाई के बाद परंतु इकतीस दिसंबर से पहले अगर आप फाइल कर रहे हो तो यहाँ पर ये शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है या फिर अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया और आपको तो लगता है कि उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो उस केस में आप को 139 सब सेक्शन अपना आई टी आर रिवाइज करना है तो हम जो है यहाँ पर बिफोर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो तो ये ये ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको नीचे डाउन करना है है तो है अब यहां पर जो है, पार्ट है, क्योंकि आपका इस साल का जो भी इनकम टैक्स का फॉर्म खुल के आएगा वो बाई डिफॉल्ट आपके न्यू टैक्स रिजिम में खुल कर आएगा न्यू टैक्स रिजिम में आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते केवल कुछ डिडक्शन को छोड़ करके तो अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलना है और ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आप सारे के सारे डिडक्शन ले सकते हो सेक्शन टेन के एच के डिडक्शन ए सी के डिडक्शन होम लोन के डिडक्शन तो हम जो है यहाँ पर ओल्ड टैक्स के साथ जाएंगे इसलिए इसको यस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यस ऑप्शन पर क्लिक करने का मतलब ये होता है कि हम न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं यानी कि न्यू टैक्स रिजिम से बाहर जाकर के ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना आई फॉर्म फाइल कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट किया है इसके बाद में इसको नीचे स्क्रोल डाउन करना है फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है तो अगर भारत में रहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फिर यहाँ पर सारे ऑप्शन अकाउंट होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैलिडेट होंगे अगर आपको लगता है की कोई नया बैंक अकाउंट एड करना है तो उसके इसमें ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट नंबर आई कोड वगैरह एंटर करके आप अपना नया बैंक अकाउंट भी वैलिडेट कर सकते हो इसके बाद में नीचे स्क्रोल डाउन करके इसको कन्फर्म कर देना है तो हमारी यहाँ पर आप मतलब देखोगेट हो चुकी है तो अब हम सेलेक्ट करते हैं दूसरा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर हमारे पास यहाँ पर फॉर्म नंबर आप देखोगे अवेलेबल है जहाँ से इनको सैलरी रिसीव होती है यहाँ पर आप देखोगे की इनकी ग्रोथ सैलरी है वो है पांच लाख सत्तावन हजार आठ सौ सैतालीस रूपए तो सिंपली आप सैलरी के अंदर यहाँ पर एड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी एम्प्लॉयर का नेम हो वो एंटर कर देना है अगर आपका सैलरी में से टीडीएस कटा है तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको एम्प्लॉयर का टेन नंबर भी एंटर करना जरूरी होता है तो अगर टीडीएस कटा है तो आपको यहाँ पर टेन नंबर डालना है और अगर टी नहीं कटा है तो कोई मैंडेटरी नहीं है इसके बाद में एम्प्लॉयर का यहाँ पर एड्रेस डाल देना है सिटी एम्प्लॉयर की कौन सी है वो डाल देना है और फिर यहाँ पर नीचे आपको पिन कोड एंटर करोगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा फिर यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप कहाँ पर काम करते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो सेकेंड या फिर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो तो ये सेलेक्ट करना है अदरवाइज अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो अदर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो हम सिंपली जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इसके बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ सैलरी ये कह रहा है तो अगर आप किसी भी प्रकार की सैलरी स्लिप देखो

ये लेस कर देना है। यहाँ पर इनकी बेसिक सैलरी है पचपन सैतालीस और उसमे तो तो और चार लाख बानवे हजार दो सौ ग्यारह रूपए आपको सेलेक्ट कर लेने इसके बाद में जो एच हमने लेस किया था एड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एच और एच का जो अमाउंट है पैंसठ तो पैसठ रूपए एंटर कर देना तो अब यहाँ पर आप टोटल देखोगे हमारी सैलरी की टोटल हो रखी है पांच लाख सत्तावन हजार आठ सौ सैतालीस जो कि पांच लाख सत्तावन हजार आठ सौ सैतालीस इस तरह से अगर आपको कोई अदर यहाँ पर कंपोनेंट की छूट लेनी है छूट लेनी है इसलिए हमने उसको सेपरेटली शो कर दिया अगर आपको यहाँ पर कोई एलटीओ वगैरह की अदर छूट लेनी है जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस की तो उसको सैलरी में से लेस करके लिखना है और फिर जो सैलरी बचती है वो लेस करना बट ध्यान रखना है की आपको आपकी टोटल सैलरी की क्रॉस उतनी ही होनी चाहिए की यहाँ पर फॉर्म नंबर सिक्सटीन में यहाँ पर शो कर रही होगी तो सिंपली जो है हम इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर सेक्शन सेवनटीन टू में अगर आपको कोई मिले हो तो वो एंटर कर देने हैं जैसे अगर आपको कार अकोमडेशन कार्वीपर गार्डन वॉचमैन वगैरह या फिर हॉलीडे एक्सपेंसेज कुछ भी आपको मिला हो तो वो एंटर कर देना है तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं फिर अगर आपको सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन थ्री में अगर किसी भी प्रकार की लूज मिले हैं सैलरी के साथ में तो वो भी एंटर कर देने

पैंसठ हजार छह सौ छत्तीस रूपए तो वो आपको यहाँ पर एंटर करके ऐड कर देना है और अगर आपका कोई अदर अलाउंसेंस हो के अलावा तो वो आपको यहाँ पर पहले तो सैलरी शेड्यूल में उसको सेपरेट करना है और फिर यहाँ पर छूट लेना अगर आप डायरेक्टली एच आर ए की छूट लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सैलरी का ब्रेकअप देना होगा की आपको डी ए इतना मिलता है बेसिक इतना मिलता है एच आर ए इतना मिलता है तो अलग अलग ब्रेकअप दे करके फिर यहाँ पर आप सेक्शन टेन में डिडक्शन ले सकते हो इसके बाद में हमारा यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा ऑटोमेटिकली आ गया इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस या प्रोफेशनल टैक्स हो तो वो एंटर करके यहाँ पर सेव कर देना है और इसके बाद में इसको कर देना है तो आप देखोगे की हमारा सैलरी शेड्यूल जो है है पर हो चुका है। इसके बाद में थर्ड शेड्यूल आता है शेड्यूल्ड हाउस प्रोपर्टी तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अगर आपको हाउस प्रोपर्टी से किसी भी प्रकार की इनकम होती है तो यहाँ पर एड ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो भी हाउस प्रॉपर्टी हो उसका यहाँ पर एड्रेस एंटर कर देना है सिटी एंटर कर देना है और यहाँ पर पिन कोड एंटर

में रहते हो तो उस केस में आप दो लाख रुपए तक का होम लोन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर एग्जेट करवा सकते हो जैसे यहाँ पर ये यह ऑप्शन देखोगे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल तो यहां पर सिंपली आपको लाख एंटर कर देने या फिर आपका जितना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट हो होम लोन पे वो एंटर करके एड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो होम लोन का इंटरेस्ट आप इस प्रकार से आई टी में शो कर सकते हैं फिर यहाँ पर आता है शेड्यूल कैपिटल गेन तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको जो है कैपिटल गेन कहा

अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो शेयर मार्केट से हुआ हो तो उस केस में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो शेयर मार्केट में तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है तो तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शॉर्ट टर्म टर्म कैपिटल कैपिटल गेन गेन हमें हुआ हुआ है 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 ये ये तो और लॉन्ग सिंपली जो है, आपका जिस भी ब्रोकर के पास अपना डिमेट अकाउंट हो तो उस ब्रोकर से आपको जो है एक टैक्सेबल प्रोफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करवा लेना है जो की दिखने में कुछ इस प्रकार का होगा वहां पर आपको पूरा का पूरा ब्रेकअप दिया रहेगा की आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल

इसके बाद में इसको यहाँ पर ऐसे ड्रग करोगे आप तो आपकी जो सेल वैल्यू है टोटल वो आ जाएगी बाई वैल्यू आ जाएगी और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है उनचालीस हजार दो सौ बयालीस रूपए का तो सिंपली उन्चालीस हजार दो सो बयालीस का हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर हुआ है इसके बाद में इसको नीचे स्क्रोल डाउन करोगे आप तो आपके इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी आपको बाई वैल्यू निकाल लेनी है और फिर इसको यहाँ पर टोटल करके ड्रैग करोगे तो इसकी आपको सेल वैल्यू भी मिल जाएगी और यहाँ पर कितना आपको प्रॉफिट हुआ मतलब की टोटल कर लेनी

जो भी सेल वैल्यू हो वो यहाँ पर एंटर कर देनी है जैसे फुल वैल्यू है बाई वैल्यू है।, तो है, है और टोटल है 385, तो यहाँ पर आपको कर देना है पांच लाख दो हजार में आपने उस शेयर को खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितनी है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है चार लाख तिरसठ हजार एक सौ चार

एक्सपेंसेस हुए हैं चाहे तो आप इनकी टोटल करके लिख लो एड पर क्लिक करके यहाँ पर चार हजार तीन सौ तैयलीस के एक्सपेंसेस भी हुए हैं तो यहाँ पर जो है चार हजार तीन सौ तैयलीस रूपए के एक्सपेंसेस एंटर करके सिंपली एड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा जो है चौतीस हजार आठ सौ निन्यानवे रूपए जो की एक्सपेंसिज लेस करने के बाद यहाँ पर आ गया इसके बाद सिंपली जो है आपको इस शेड्यूल पर क्लिक करना है और अगर सेक्शन एक सौ बारह ए में अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो यहाँ

लेक्ट ऑप्शन करना है इसके बाद में सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है और कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन तो हम चलते हैं एक्सेल फाइल की तरफ और यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हमारी जो बी वैल्यू है यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है वो है बानवे जीरो अट्ठाइस तो सिंपली जो है यहाँ पर बानवे जीरो अट्ठाइस आपको एंटर कर देना है इसके बाद में अगर आपका कोई एक्सपेंसिस हुआ तो वह एंटर कर देना है अदरवाइज जीरो एंटर कर देना है इसके बाद में उसकी सेल वैल्यू क्या है तो यहाँ पर सेल वैल्यू है एक लाख दस हजार एक सौ छब्बीस रूपए सिंपली एड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देखोगे कि आपका जो शेयर से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जीरो तो पर पर जो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखोगे तो तो आ चुका है तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पर हो चुका है कम्पलीट इसके बाद में अगेन यहाँ पर आपको जो है इस पर आना है और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के शेड्यूल को कम्पलीट कर देना है इसके बाद में यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल रहेगा इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इसके में यहाँ पर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन ग्रोस इनकम चार्जेबल टू टैक्स नॉर्मल इनकम हो क्लिक करना है इंटरेस्ट ऑप्शन के अंतर्गत आना है और सेविंग बैंक अकाउंट का आपका जो भी इंटरेस्ट हो जैसे तो हमारे तो यहाँ पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है पच्चीस सौ तो यहां पर एंटर कर देना है, 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 है पच्चीस सौ तो पच्ची में रुपए इंटरेस्ट यानी कि अगर आपने किसी बैंक में पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एफ करवा रखी है और उससे आपको इंटरेस्ट इनकम होती है तो यहाँ पर एंटर कर देनी है तो हमारे केस में इंटरेस्ट यहाँ पर है चौतीस हजार दो सौ सोलह रूपएली जो है चौतीस हजार दो सौ सोलह रूपए यहाँ पर एंटर कर देना है इसके बाद में अगर कोई आपकी ऐसी इनकम हो जो इनमें से किसी में के अंतर्गत नहीं आती हो तो उसके केस में यहाँ पर एनी अदर का ऑप्शन मिलेगा वो इनकम चाहे इंश्योरेंस कमीशन का पैसा हो या फिर किसी भी प्रकार की दलाली हो ब्रोकरेज हो उससे आपको मनी अर्न हो या ऐसी कोई भी इनकम जो अबो

से अगर आपने जीते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको सिंपली जो भी अमाउंट हो जैसे यहाँ पर जो है चौदह हजार रुपए है तो एंटर करके आपको एड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद में हमारा फर्स्ट यहां पर कम्पलीट हो चुका है थर्ड हमारे काम का नहीं है तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर सेक्शन टेन में जो आपको ऑनलाइन गेमिंग इनकम हुई है उसका ब्रेकअप देना होगा यानी कि वो आपने कब जीती थी तो अगर पंद्रह जून तक जीती थी तो यहाँ पर एंटर करना है सोलह जून से अगर पंद्रह सितंबर के बीच में जीती हो तो वह यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपको पता नहीं हो कि कब जीते है तो सिंपली यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ जाना है और यहाँ पर एंटर कर देना है इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड इनकम हो तो उसका भी आप यहाँ पर डिटेल एंटर करना है हमारे केस में नहीं है तो सिंपली इसको यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं इसके बाद में कैरी फॉरवर्ड का शेड्यूल है तो अगर आपकी कैपिटल गेन की जगह अगर कैपिटल लॉस होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है सिंपली हम इनको कन्फर्म कर देने हैं और यहाँ पर जो है ब्रॉड फॉरवर्ड का शेड्यूल है तो इसको भी जो है हमें यहाँ पर पिछले सालों का अगर आपके कोई लॉस हुआ हो तो उसको सेटअप करना हो तो यहाँ पर कर सकते हो अदरवाइज

है, उस पर पंद्रह प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगेगा और यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर दस प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगेगा बट ये लाख ,00 रुपए तक एक होता है यानी कि अगर आपको एक लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो होता हो तो वो है बट शॉर्ट टर्म के केस दस हजार रूपए हो पांच हजार रूपए हो या चाहे पांच लाख रूपए हो उस पर पंद्रह प्रतिशत के हिसाब से आपको टैक्स देना ही देना होगा बट यहाँ पर भी जो है आपको बेसिक टैक्स एग्जाम लिमिट की छूट मिल जाती है यानी कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है तो इस पर जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपको यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा तो सिंपली जो है इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस शेड्यूल को कंप्लीट कंफर्म कर देना है इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और चैप्टर अंतर्गत आपके वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने यानी कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है या ए सी के डिडक्शन है तो सारे के सारे यहाँ पर एंटर करने है तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर पार्ट आता है पार्ट बी एड अनदर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका डिडक्शन जिस सेक्शन में हो जैसे ए सी में हो तो एंटर कर देना जैसे हमारे केस में यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको नीचे डाउन करोगे तो हमारे में हजार डिडक्शन है चौसठ रुपए के तो सिंपली जो है है आपको ब्राउजर में आ जाना है और ए टी सी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एंटर कर देना है अड़सठ रुपए और एड ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इसके बाद में अदर अगर आपका कोई किसी भी प्रकार का डिडक्शन हो तो एड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपका कोई भी डिडक्शन हो चाहे का हो एटीसी

यहाँ पर एंटर कर देना है तो आप देखोगे पच्चीस सौ साठ की हमें छूट मिल गई इसके बाद में अगर सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में यहाँ पर पचास हजार रूपए तक की आपको बचत खाते के ब्याज की प्लस एफ डी पर जो भी इंटरेस्ट होता है उसकी यहाँ पर पचास हजार रूपए तक आप छूट ले सकते हो तो हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए यह कॉलम डिसेबल आ रहा है इसके बाद में नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो अदर आपका कोई भी डिडक्शन हो तो वो ले लेना है सिंपली अदरवाइज इसको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फिर जो है इसको नीचे स्क्रोल डाउन करके इस ऑप्शन को भी हमें यहाँ पर कंफर्म कर देना है इसके

देखोगे ग्रॉस रिसिप्ट आठ लाख छह हजार पांच सौ तीस रूपए हजार तीन सौ तो यहाँ कर देने इसके बाद में अगर आपका कोई पिछले सालों का लॉस हुआ हो एग्रीकल्चर लॉस तो वो आठ सालों का आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं अगर वो तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है अदरवाइज सिंपली जो है इसको एड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी यहाँ पर शो कर जाएगी इसके बाद में यहाँ पर अदर कोई आपके परिवार में ऐसा बच्चा है जिसकी इनकम आती हो तो वो आपकी इनकम के साथ कलब होगी तो वो यहाँ पर एंटर कर देनी है अदरवाइज सिंपली इसको जो है नीचे करके कर देना है तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम जो है यहाँ पर शेड्यूल एग्जेम इनकम के अंतर्गत आएगा इसके बाद में ए एम टी शेड्यूल है इसको भी हमें जो है यहाँ पर सेट ऑप करके कन्फर्म कर देना है फिर इसके बाद में यहाँ पर रहेगा ए एम टी सी शेड्यूल जो की आपको कन्फर्म कर देना है फिर यहाँ पर जो है रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तो यहाँ पर देखोगे की से तो हमारी टोटल इनकम हो गई पांच लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अंठानवे रूपए इसके बाद में इसको नीचे स्क्रोल डाउन करना और सिंपली इस शेड्यूल का आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है फिर यहाँ पर रहेगा टैक्सेज पेड तो अगर आपका सैलरी में से कोई भी टैक्सेज

सेवन ए के अंतर्गत आपको साढ़े बारह हजार रूपए की छूट मिल गई है और यहाँ पर जो आपकी नेक्ट टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रही है आठ हजार तीन सौ बावन रूपए की ऑप्शन रहेगा अगर अदरवाइज यहाँ पर, तो पर पे लेटर का ऑप्शन कलेक्ट कर लेना है आपको और यहाँ पर प्रिव्यू रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको टिक मार्क करके यहाँ पर प्रोसीड टू प्रिव्यू कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर अगेन आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन हो तो

एक्सपर्ट या सी से फाइल करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और फिर जब आपका यहाँ पर क्लिक तो करना है और फिर यहाँ पर जो है आपको आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करके आपको सिंपली यहाँ पर आई एग्री क्रिएट और आधार ओटीपी जनरेट करके आधार ओ आप सेंड करके अपना आई वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे सबमिट करने के बाद सिंपली उसकी कॉपी आप जो है इस वीडियो में हमने जाना की अगर आपको शेयर बाजार से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो उसको आप आईटीआर टू में कहां पर दिखाओगे साथ ही सैलरी इनकम हो तो उसको आप किस प्रकार कौन कौन से डिडक्शन जैसे एच के है एटीसी के है या बचत खाते पर ब्याज है वो कैसे दिखाओगे साथ ही अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है चाहे वे किसी भी की एग्रीकल्चरल इनकम हो तो वो आप उसको कहां भी आप आई टी ही आप खुद से अपना आई फाइल कर सकते हो, और अगर आप अपना आर किसी टैक्स एक्सपर्ट और सी से बढ़वाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना आई फाइल करवा सकते हो धन्यवाद दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दीजिएगा